दो दिन ही परीक्षा होने वाली है, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज अलग क्या होगा कि आज केवल एक सत्र में परीक्षा होगी, दोपहर बाद 3 बजे की परीक्षा होनी है। लेकिन कल की जब आप बात करते हैं तो कल 2 सत्रों में परीक्षा होगी, यानी सुबह और शाम 2 सत्रों में कल परीक्षा होगी। आज एक बार फिर से आपको बता दें, दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक की परीक्षा होनी है, तो कल दोनों सत्रों में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 504 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के आसपास के एरिया में 144 धारा लागू की गई है। सोनीपत में आपको बता दें कि 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ड्यूटी लगाई गई है। सोनीपत में 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आज दोपहर बाद 3 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा देने वाले हैं। आज के सत्र में तो 11,000 से ज्यादा उम्मीदवार फतेहाबाद में परीक्षा देंगे। सोनीपत में जो स्टेट की परीक्षा है वो 3 दिसंबर और 4 दिसंबर 2022 को होगी, जिसके लिए जिला सोनीपत में 32 एग्जाम सेंटर को बनाया गया है। आज जिला उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी सेंटर्स के सुपरिटेंडेंट और उसके साथ में जो ऑफिसर्स हैं जो फ्लैंक स्क्वाड भी काम करेंगे और चरवर होंगे एग्जाम के, उनको भी बुलाया गया था। और उसमें एक यही बताया गया कि आपको जो परीक्षा है वो एक अच्छे ढंग से पारदर्शिता के साथ कंडक्ट करवानी है परीक्षा। तो आज और कल एसटेट की परीक्षा, जिसको लेकर तैयारी भी लगातार युवा कर रहे थे, आखिरकार आज ये परीक्षा होनी है। आज दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 5:30 तक कल 2 सत्रों में सुबह और शाम कल परीक्षा होगी, और पूरे ही प्रदेश में इसे लेकर परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। बायोमेट्रिक और साथ ही वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया गया है, तो पूरी तरह से नकल रहित हो, शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा हो, इस बात को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास रहेगा। चलिए, परीक्षा को लेकर कहां क्या और कितनी तैयारी है, बात हम करेंगे फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ हैं, करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले आप बताएं कि फतेहाबाद में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारी आज की इस परीक्षा को लेकर? ज्योति, देखिए, एसटेट परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए जाने का दावा किया जा रहा है, और फतेहाबाद के अंदर करीब 11,000 से अधिक का जो परीक्षार्थी है वो आज परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षाओं के लिए जिला स्तर पर जो है 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और सभी जो परीक्षा केंद्रों पर कड़ा जो है पहरा, कड़ी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई नकल की जो है कवायद ना हो पाए। इसके लिए तमाम जो है प्रिकॉशन भी लिए गए हैं, और सभी सेंटर्स को सर्विलांस के दायरे में रखा गया है। वीडियोग्राफी है, बायोमेट्रिक जांच है और सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान, परीक्षा समाप्त होने तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नजर रहेगी वहां पर, और पुलिस कर्मचारियों की केंद्र के अंदर और बाहर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जो परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थी जाएंगे उनकी गहन जांच की जा रही है, बायोमेट्रिक से उनकी जो है उनका पहचान की जा रही है। तमाम चीजें जो है प्रशासन द्वारा एक कदम उठाया गया, ताकि पिछले जो अनुभव है उनको जो है दोबारा ऐसा ना हो, ऐसे उन अनुभवों को देखते हुए जो है किसी प्रकार की चूक ना होने का जो है यहाँ प्रबंध किया गया है। जी लक्ष्य, आप भी बताएं जिले में क्या और कितनी तैयारी है, और आज और कल मिलाकर कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले करना? बिल्कुल ज्योति, बात की जाए करनाल जिले की, करनाल जिले के अंदर पीटी जो है जो आज उनका जो है परीक्षा जो है शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए, जो समय सारणी रखी गई थी वो समय सारणी करीबन 3 से 5:30 बजे का जो समय है वो रखा गया। ऐसे में बात की जाए करीब 1 बज चुका है और परीक्षार्थियों का जो है परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से जो चीजें सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय जो हम मौजूद हैं बिल्कुल परीक्षा केंद्र के बिल्कुल सामने मौजूद है, मेरे पीछे की तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हैं तो वो परीक्षा केंद्र है जहां पर परीक्षार्थी अपना परीक्षा देने जरूर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, सबसे पहले तो प्रत्येक जो केंद्र है, प्रत्येक केंद्रों के ऊपर करीबन 10-10 जो है पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, ASI लेवल के जो है, और जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। और साथ के साथ बात की जाए जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है, तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनको या जो अलाउड जो किया गया है वो एक पेन और उनका एनरोलमेंट नंबर, यानी उनका जो
एंट्री जो पास है वो और एक आधार कार्ड यानी जो उनका एक पहचान पत्र होगा उसको लेकर जो है उनकी अंदर जो है एंट्री की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में बात की जाए करीबन 15 ऐसे करनाल के अंदर केंद्र बना दिए गए हैं जहां पर परीक्षार्थी जो करीबन 9000 से ज्यादा परीक्षार्थी हैं वो आज अपनी परीक्षा देंगे। बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से करीबन 200 मीटर के दायरे के अंदर धारा 144 जरूर लगा दी है। 5 या 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना यहां पर बिल्कुल बना कर दिया गया है ताकि ये जो परीक्षा है वो पूर्ण रूप से सफल रह पाए। ऐसे में पुलिस चाहे पुलिस की बात की जाए तमाम अधिकारियों की बात की जाए वो लगातार अब यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुके हैं। तमाम चेकिंग अभियान लगातार जारी है और परीक्षार्थी हैं जो अब अंदर जा चुके हैं परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं और अब करीबन 3 बजे वो परीक्षा शुरू होगी और 5:30 बजे के करीब वो परीक्षा समाप्त होगी और उसके बाद कल भी 2 चरण के अंदर ऐसी ही परीक्षा देखने को बन पाएगी। जो बहुत बार इस तरह की परीक्षाओं में तस्वीरें देखते हैं जब महिलाएं मंगलसूत्र पहन पहुंचती हैं तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है परीक्षा केंद्र में एंटर करते वक्त। साथ ही सिख युवाओं के कृपांग ले जाने पर नहीं ले जाने पर भी संदेह बना रहता है, लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया गया था मंगलसूत्र पहन सकती हैं महिलाएं। बिंदिया अगर किसी को लगा के जानी है या सिंदूर लगाना है तो उसमें छूट दी गई है। साथ ही सिख युवाओं को भी इस बार रियायत दी गई है कि कृपांग लेकर जा सकती हैं। ज्योति बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर अभी क्योंकि अभी 1 बजा है और उसके बाद अब परीक्षार्थी अपने अपने जो केंद्रों पर जाना शुरू हो भी चुके हैं। ऐसे में जो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोगों को वहां पे तैनात किया गया है जो तमाम चेकिंग अभियान भी जारी है क्योंकि अभी तक साफ तौर पर अभी देखा गया था कि कुछ लोगों को वहां पर चाहे धागा बांधा है या फिर घड़ी बांधी गई है मोबाइल व्यवस्था सभी कुछ वहां पर बाहर छोड़ने के लिए बात की गई है। जो कुछ परीक्षार्थी हैं उनके जो अभिभावक हैं वो उनके साथ जरूर पहुंचे हुए हैं और जो ऐसा सामान है वो उन्हें अपने परीक्षार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परिजनों को सामान सौंपते हुए भी नजर सामने आए। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्य, विस्तार से आपने जानकारी दी है तो हम भी अपील करते हैं कि आप कम से कम आभूषण पहनकर ना जाएं। आपको परेशानी हो सकती है खासतौर पर कोई अटेंडेंट अगर आपके साथ नहीं है परिजन नहीं गया के तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक बार फिर से फटाफट आप जान लीजिए सोनीपत की बात करेंगे 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 11,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं जो परीक्षार्थी हैं अभ्यर्थी हैं वो फतेहाबाद में परीक्षा दे रहे हैं। तो एचटेट परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी, आज पहले सत्र के लिए दोपहर बाद चूंकि परीक्षा शुरू होनी है हमारे संवाददाता अजय और लक्ष्य आपको जानकारी दे रहे थे कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके हैं और जो अमूमन होता भी है हर एक परीक्षा के वक्त 200 मीटर के दायरे में धारा 144 आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रखी जाती हैं ताकि नकल रहित परीक्षाएं हो सकें। साथ ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्वक ढंग से भी परीक्षा हो पाए, व्यवस्था कायम रहे। वीडियोग्राफी हो रही है परीक्षा की, बायोमेट्रिक सिस्टम रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है तमाम परीक्षा केंद्रों पर। शादीशुदा महिलाओं को लेकर जिसका जिक्र हम संवाददाता लक्ष्य से भी कर रहे थे कि इस बार मंगलसूत्र पहनकर जाने, बिंदी लगाने, सिंदूर लगाने की छूट है, इसी लेकर कम से कम किसी भी परीक्षार्थी को, शादीशुदा परीक्षार्थी को रोका नहीं जाएगा। सिर्फ परीक्षार्थियों को लेकर भी साफ कर दिया गया है कृपाण लेकर जा सकते हैं। तो आज और कल परीक्षा होने जा रही है। तो एचटेट परीक्षा को लेकर हर एक विस्तृत जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आज एक सत्र में परीक्षा है दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक, कल सुबह और शाम 2 सत्र में परीक्षा हो रही है। 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा हरियाणा में 2 दिन में आयोजित करवाई जा रही है। सैकड़ों परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की